तो Xiaomi ने अपना ब्रांड न्यू स्मार्ट टीवी मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया है। दिस वन ओवर हियर इज द Xiaomi TV X सीरीज एंड यहां पे आज हम करने वाले हैं इसका फटाफट से एक क्विक अनबॉक्सिंग एंड ऑल्सो एक फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, मेरा नाम है फ्लोरेंस जॉर्ज, आप देख रहे हैं नडियो मोबाइल्स, लेट्स बिगिन द वीडियो। बाय द वे ये जो है ना ये 65 इंच का मॉडल है। अब सबसे पहले चेकआउट कर लेते हैं टेलीविजन की अनबॉक्सिंग। अब आप मुझसे बोलेंगे फ्लोरेंस तूने तो पहले से टीवी खोल कर रखी हुई है, तो एक काम करते हैं, लेट मी क्विकली शो यू कि आपको इसके बॉक्स के अंदर क्या कंटेंट देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आपको इसके बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाता है दो फीट जो कि मेटालिक फीट नहीं है, एंड आपको मिलता है देखने के लिए इसका पावर कॉर्ड, आपके पास में कुछ बुकलेट मिल जाती है, आपको मिल जाता है यहाँ पे रिमोट, एंड रिमोट के आपको दो ट्रिपली बैटरीज भी यहाँ पे मिल जाती है देखने के लिए। तो यहाँ पे ये जो X सीरीज की टेलीविजन है बाय Xiaomi, यहाँ पे उन्होंने आपको टोटल मिला के चार डिफरेंट वेरिएंट्स प्रोवाइड करे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको मिलता है 43 इंच, 50 इंच, 55 इंच एंड दिस वन ओवर हियर द 65 इंच का टेलीविजन। तो यहाँ पे इनकी जो भी प्राइसिंग है, सारी की सारी जो प्राइसिंग होगी मैं डाल दूंगा आपकी स्क्रीन के सामने। डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी चेकआउट कर लेते हैं अभी हाल। तो यहाँ पे आपको सटल सी Xiaomi के नीचे ब्रांडिंग दी हुई है एंड जो बाकी के जो उसके बेजल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा थिन बेजल्स हैं। एंड अगर बात करते हैं टीवी के ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो आई विल रियली से कि जो टीवी है वो सरप्राइजिंगली काफी अच्छे तरह से बिल्ड है, यानी कि जो बिल्ड क्वालिटी है दैट इज वेरी वेरी स्टर्डी बाय ऑल मीन्स। एंड जो बॉटम में फीट दिए हुए हैं, अगर वो होते मेटालिक तो थोड़ा बेटर होता, लेकिन यहाँ पे जो फीट दिए हुए हैं वो भी काफी स्टर्डी फीट हैं। तो बोथ इन द डिपार्टमेंट ऑफ लुक्स एंड द बिल्ड क्वालिटी कोई भी कॉम्प्रोमाइजेस तो नहीं है। हालांकि अगर आपको यहाँ पे अगेन मेटालिक फीट मिलते थोड़ा सा एक्स्ट्रा वो बेटर हो जाता। अब इस टीवी के आयो पोर्ट्स को चेकआउट कर लेते हैं। तो सारे के सारे पोर्ट्स जो यहाँ पे वो दिए हुए हैं आपको ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, एंड जो इसका मेन पावर कॉर्ड है वो आपको मिल जाता है ऑन द राइट हैंड साइड। यहाँ पे आपको तीन HDMI 2.1 के लेटेस्ट पोर्ट्स मिल जाते हैं, जहाँ पे आपको EARC यानी कि एनहांस्ड ऑडियो रिटर्न चैनल का सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पे आपको ALLM यानी कि ऑटो लो लेटेंसी मोड का भी सपोर्ट मिल जाता है। तो अगर आपको कोई गेमिंग कंसोल यूज करना हो या गेमिंग लैपटॉप यूज करना हो, वहाँ पर जो है वो ऑटोमेटिकली लेटेंसी को लो कर देता है एंड यू बेसिकली गेट अ गेम मोड विदाउट यूजिंग इट एडिशनली। दो USB के पोर्ट मिल जाते हैं, AV इनपुट के साथ में आपको यहाँ पे ईयरफोन्स का भी आउटपुट मिल जाता है। आई रियली वॉन्ट टू थैंक Xiaomi कि उन्होंने आपको इतना कंसिडर करके एक प्रॉपर 3.5 mm का ऑडियो आउटपुट दिया हुआ है, बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ ब्रांड्स आउट देयर जो कि आपको टेलीविजन के अंदर 3.5 mm का ऑडियो आउटपुट नहीं देते हैं। अब हम आ जाते हैं टुवर्ड्स हैविंग अ लुक एट द सॉफ्टवेयर ऑफ दिस टीवी। तो यहाँ पे आप जैसे ही प्रेस करेंगे रिमोट के ऊपर होम के बटन को, आप पहुंच जाते हैं टुवर्ड्स गूगल टीवी। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे मिल जाता है पैच वॉल का भी एक बटन। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आप पहुंच जाते हैं टुवर्ड्स द पैच वॉल। तो यहाँ पे आप आराम से जो भी चीज़ें ट्रेंडिंग में चल रही हैं, जो भी चीज़ें रिकमेंडेड होती हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो है यहाँ पे इस पेज पे आ जाती हैं। कोई नई चीज़ है मिल जाएगी, कोई अगर ट्रेंडिंग चीज़ है मिल जाएगी, बाकी आपके पास में प्रॉपर गूगल टीवी तो मिल ही जाता है। यहाँ पे बात कर लेते हैं रिमोट के बारे में अभी हाल। तो यहाँ पे आपको मिल जाते हैं डेडिकेटेड कीज़ के, यहाँ पे आपका YouTube का बटन है, प्राइम वीडियो का बटन है, नेटफ्लिक्स का बटन है एंड डिजनी प्लस हॉटस्टार का भी आपको यहाँ पे बटन मिल जाता है। ऑल्दो आई रियली डिसलाइक दिस वन थिंग अबाउट द रिमोट कि आपको टीवी के रिमोट के अंदर एक चीज़ मिसिंग मिलती है, वो है सेटिंग का बटन। तो अगर आपको सेटिंग्स में जाना हो तो आपको प्रॉपरली होम पे आने के बाद में, राइट जाने के बाद में, यहाँ पे आने के बाद में आप सेटिंग में जा सकते हैं, लेकिन जो डायरेक्ट बटन होना चाहिए था एक सिंगल बटन वो यहाँ पे मिसिंग है। आई रियली विश कि Xiaomi अपने अगले वेरिएंट्स के अंदर वो चीज़ यहाँ पे फिक्स कर दे बाय गिविंग अस अ डेडिकेटेड सेटिंग्स का बटन ऑन द रिमोट। अब सॉफ्टवेयर के अलावा जो इसका हार्डवेयर है जरा उस पर करते हैं फोकस। तो यहाँ पे आपको मिलता है 2 GB की रैम, 8 GB का ओवरऑल इंटरनल स्टोरेज। आई रियली विश कि काश इसके अंदर में आपको 16 GB का इंटरनल स्टोरेज मिल जाता तो ज़्यादा अच्छा रहता, बट 8 इज व्हाट यू गेट यहाँ पे। एंड एडिशनली आपको यहाँ पे ब्लूटूथ 5.0 मिल जाता है एंड आपको यहाँ पे डुअल बैंड का वाईफाई भी मिल जाता है। बात करते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, विच इज़ गोना बी ऑफ कोर्स द स्क्रीन ऑफ दिस टीवी। तो यहाँ पे आपको 4K HDR10 Dolby Vision supported screen मिल जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा vibrant है। मोर इम्पॉर्टेंटली आपको यहाँ पर टेलीविजन के अंदर आपको MEMC का सपोर्ट मिल जाता है एंड थैंकफुली उस MEMC के फीचर को आप टर्न ऑफ भी कर सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड फीचर बाय ऑल मीन्स। बाकी आप नेटफ्लिक्स के अंदर Dolby Vision वगैरह कंज्यूम कर सकते हैं, HDR वगैरह कंज्यूम कर सकते हैं आप YouTube वगैरह के ऊपर। तो जो सारी के सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं वो यहाँ पे सारे के सारे कवर्ड हैं। एंड दी ओवरऑल व्यूइंग एंगल्स की बात करें, चाहे हम कलर रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें, दिस इज़ अ वेरी गुड एंड इम्प्रेसिव स्क्रीन। लेकिन एडिशनली जो एक चीज़ बड़ी ही इंटरेस्टिंग है यहाँ पे वो है इसका ओवरऑल कलर
गैमट कवरेज, तो यहाँ पे Xiaomi क्लेम करता है कि यहाँ पे एट DCI-P3 कलर गैमट का कवरेज ये देता है आपको 94% का कवरेज, विच इज़ अ ग्रेट नंबर बाय ऑल मीन्स। तो यहाँ पे अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसका जो पैनल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पैनल है। नेक्स्ट अप हम बात कर लेते हैं टेलीविजन के साउंड के बारे में, तो यहाँ पे आपको 30 वॉट्स के दो डुअल फायरिंग स्पीकर्स मिल जाते हैं जो कि बॉटम फायरिंग स्पीकर्स हैं, यहाँ पे आपको 15 वॉट, वहाँ पे आपको 15 वॉट मिल जाता है। एंड ये जो टेलीविजन के स्पीकर्स हैं वो सच में बहुत ज़्यादा ही इंप्रेसिव हैं। रीसेंट टाइम के अंदर मैंने बहुत सारे टेलीविजन को रिव्यू किया हुआ है, लेकिन दिस टीवी इन द स्टैंड्स ऑफ टेलीविजन का इंटरनल स्पीकर्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे ये स्पीकर्स हैं। एंड यहाँ पे आपको DTS:X का भी आपको मिल जाता है कोडेक, तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको DTS का बेस एनहांसमेंट, DTS का साउंड विजुलाइजर या आपको डायलॉग क्लैरिटी वगैरह भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं देखने के लिए। तो दैट इज़ अ वेरी गुड फीचर कि अगर आपको लगता है कि डायलॉग क्लैरिटी नहीं आ रही है तो श्योरली आप इसे यू नो इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। हालांकि ये डिसेबल था, इसके बाद भी टेलीविजन में जो ऑडियो आ रही थी वो बहुत ज़्यादा क्लियर थी एंड इट वॉज वेरी वेरी गुड। इसका एक आध ऑडियो सैम्पल लेके हम आपको दिखा देंगे। The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. तो बेसिकली इन अ बिगर पिक्चर 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, 4K रेजोल्यूशन, डॉल्बी विजन कंपैटिबल, SDR10 अवेलेबल, इसके अलावा 2GB की रैम मिल जाती है, 8GB का इंटरनल स्टोरेज मिलता है। काश 16 होती मजा आता, लेकिन आपको मिलता है देखने के लिए एंड्रॉइड 11, गूगल TV मिल जाता है, पैच वॉल मिल जाता है, पैच वॉल प्लस भी मिल जाता है, सेटिंग्स का बटन काश इसमें होता तो अच्छा रहता। इसके अलावा आपको 30 वॉट के स्पीकर्स मिल जाते हैं विच आर वेरी गुड, DTS:X का आपको साउंड मिल जाता है, अगेन वेरी गुड, आपको यहाँ पे MEMC मिल जाता है जिसको आप डिसेबल भी कर सकते हैं, आपको डायलॉग एनहांसर मोड मिल जाता है जिसको आप इनेबल डिसेबल दोनों कर सकते हैं। एंड ओवरऑल इन अ बिगर पिक्चर ये जो टेलीविजन है वो आपको काफ़ी बढ़िया व्यूइंग एंगल्स, काफ़ी ज़्यादा अच्छे कलर रिप्रोडक्शन देती है। 94% का इसका ओवरऑल DCI-P3 के ऊपर कलर गैमेट का कवरेज है, यानी कि पिक्चर काफ़ी बढ़िया है, साउंड काफ़ी बढ़िया है, ओवरऑल जो आप टीवी से एक्सपेक्टेशन करते हैं वो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती हैं। इवन द बिल्ड क्वालिटी इज़ अगेन वेरी वेरी गुड बाय ऑल मीन्स, लेकिन सारा कुछ जो है वो होता है बॉयल्स डाउन टू द प्राइस एंड परफॉर्मेंस का रेशियो। द 65 इंच का X सीरीज का मॉडल, इसका प्राइस चल रहा है 59,000 रुपीज, 58,999 का इसका प्राइस है। एंड एट दैट प्राइस पॉइंट आपके क्या थॉट्स हैं? डू यू रियली फील कि इट्स अ नाइस टीवी एट दैट प्राइस पॉइंट? क्योंकि इफ यू आस्क मी तो इसी X सीरीज के अंदर आपको मिलता है 55 इंच का टीवी जिसका प्राइस चल रहा है 37,500 रुपए। एंड आई पर्सनली बिलीव कि वो जो प्राइस है 37,500 का एट 55 इंच का स्क्रीन का साइज बाय हैविंग ऑल ऑफ दीज वेरी गुड फीचर्स मेक्स अ लॉट मोर सेंस एटलीस्ट इन माय आईज। तो कमेंट्स करना ना भूलें। एंड दैट वाज इट गाइस, दिस वाज आवर शॉर्ट एंड सिंपल अनबॉक्सिंग प्लस ओवरव्यू ऑफ दिस X सीरीज टेलीविजन बाय Xiaomi। मिलते हैं आपसे इन द नेक्स्ट वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वी विल मीट यू ऑल सून इन द नेक्स्ट वन।